ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कईयों को अगर बुलाते भी आप बहने, भाई आ जाओ थोड़ा सा ज्ञान सुनो, क्या कहते हैं, बहन जी हमको दुकान खोलना पड़ता है, समय नहीं है। मौत जब आएगा उसको कहेंगे मेरा दुकान खोलना है, तुम जाओ, इतना खा रहे हैं, मौत आएगी, ये भी नहीं कह सकते मेरी तो खाना होने दो, फिर लेके चलो, यहीं छोड़ चल। इसलिए जो करना है अब कर लो, काल के सामने किसी का भी तो परमात्मा कौन है। बाबा ने कहा ना, तुमने मुझे हम लोगों को पुकारा है, किसी ने परमात्मा को पुकारना अर्थात काल को पुकारना, तो कालों का काल महाकाल आए हैं सबको लेके जाने के लिए आए हैं। इसलिए अब हमें अपने कर्मों को अच्छा बनाना है, सत्युग में जाना है, कर्म अच्छे चाहिए। एक ऐसे एक छोटा बच्चा क्या करता है, एक दिन मम्मी को कहता है मम्मी मुझे स्वर्ग में जाना है। मम्मी कहता है बेटा हम कैसे स्वर्ग में जाएं, नहीं मम्मी मुझे स्वर्ग में जाना है। जिद करने लगा तो जिद करते करते वही बेड पर सो गया। इतने में एक परी आई और परी ने उसको एक बच्चे को डब्बी दी, कहते बेटा तुमको स्वर्ग में जाना है ना, ये डब्बी लो, इस डब्बी के अंदर पुण्य का पैसा जमा करो। कौन सा पैसा? पुण्य का पैसा, तब तुम स्वर्ग में जाओगे। इतने में उस बच्चे की नींद खुली तो देखा तो ना डब्बी है ना परी है। तो बच्चा क्या करता है, तो बच्चा सोचता अभी मैं क्या करूंगा, इसमें पुण्य का पैसा जमा करूंगा। उसके बाद उस बच्चे को स्कूल में जाना था, तो स्कूल में जा रहा था, चलते चलते देखा एक अंधा व्यक्ति, चलते चलते वो खड्डे में गिरने वाला था। उस बच्चे ने जब देखा फटाफट क्या किया, उसको कहा कि बाबूजी इधर नहीं जाना, खड्डा है, ऐसा करके उसको रास्ता दिखा के चला गया। फिर कुछ समय के बाद उसने बच्चे ने डब्बी खोली, उसके अंदर एक पैसा मिला। कौन सा पुण्य किया, आंधे को रास्ता दिखाना, ये भी क्या है। तो उसके बाद जैसे बच्चा आगे गया, एक व्यक्ति कहता है मैंने कुछ नहीं खाया, मैं भूखा हूँ 8 दिन से, तो उस बच्चे की नजर गई, उसने एक छोटी सी गिट्टी तोड़ी उसको दे दिया। कुछ समय के बाद फिर डब्बी खोली, उसके अंदर 2 पैसा थे। दूसरा कौन सा पुण्य हुआ, भूखे को भोजन देना, ये भी। उसके बाद जैसे स्कूल में गया तो बाजू वाला जो बच्चा था उसके पास पेन नहीं थी, वो लिखने के लिए बार बार फूंक मार रहा था, लिख रहा था ऐसे करके, तो उस बच्चे ने कहा भाई दोस्त मेरे पास और एक पेन है ले लो, अपना पेन दिया। कुछ समय के बाद डब्बी खोली, उसके अंदर 3 पैसा मिला। फिर घर में गया तो उसके बहन ने कुछ बोल दिया, उसको गुस्सा एक जोर से थप्पड़ मारी। अभी डब्बी खोली कितना पैसा मिला, 4, लेकिन 4 था ही नहीं, 2 ही था। क्यों, थप्पड़ मारना ये पुण्य है पाप है, उसका 2 पैसा और ही क्या हो गया, कम हो गया। इसी तरह तो उस बच्चा समझ गया कि अगर इसी तरह हमें भी क्या करना है, रोज अपना चार्ट लिखना है, हम कहां जा रहे हैं, हम असली सौरंग में जा रहे हैं, तो हमें चेक करना है मैंने आज सारा दिन सत्युग में जाने के लिए पुण्य का कितना पुण्य का पैसा जमा किया और मेरे से पाप कर्म कौन से हुए। पाप का पलड़ा आज भारी है या पुण्य का पलड़ा भारी है, हम कभी चेक ही नहीं करते पाप ज्यादा हुआ या पुण्य ज्यादा हुआ। इसलिए रोज अपना चार्ट चेक करूं, अगर हमें सत्युग में जाना है तो हमें क्या करना है, पुण्य का पैसा जमा करना है, श्रेष्ठ कर्मों को जमा करना है। इसलिए कर्म गति को समझना जरूरी है। धृतराष्ट्र अंधा था, कृष्ण के पास गया, कहता है भगवान मुझे सजा क्यों, कहा कि आपने कोई गलत काम किया होगा, कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में छोटा बालक था, एक पंछी को पकड़ा, एक सुई ली, उसकी आंख तोड़ी, इसीलिए क्या बना, अंधा बना।
भीष्म पितामह बानों के शया पर गिरे थे, तो कृष्ण को कहता है भगवान मुझे सजा क्यों, कहा कि आपने कुछ गलत किया, कर्म क्या होगा, कहता नहीं कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में छोटा बाल, एक बार राजा थे कहीं जा रहे थे, एक सांप रास्ता क्रॉस कर रहा था, उसको लगा सांप मर न जाए, रथ को रोका, उसके बाद तीर थे सांप को उठाया बाजू में फेंक दिया, वो कहाँ गिर गया वो नहीं देखा, साइड पर बबुल के कांटों का बाड़ था, खेती थी, सांप को जोर से फेंक दिया, उस कांटों के ऊपर गिरा, नीचे से कांटे चुभ गए, जैसा सांप कांटों के शया पर गिरा, तड़प तड़प करके मरा, उसकी सजा भीष्म पितामह को बानों के शया पर दिखा थी। अनजान से कर्म किया तो भी सजा, और जो व्यक्ति जानबूझ करके करता हो कितनी बड़ी सजा मिलेगी, इसीलिए अब मुझे अपने कर्मों पर ध्यान दे। कर्म हमारे तब श्रेष्ठ बनेंगे जब हम श्रीमद का पालन करेंगे।